नियॉन प्रोडक्टिक टेबल का दसवां तत्व है जो कि साधारण कमरे के तापमान पर गैस के रूप में पाया जाता है। ये नोबल गैस में से एक है। नियॉन एक रंगीन, गंधहीन और निष्क्रिय गैस है। इस वीडियो में आपको नियॉन गैस का उपयोग और रोचक तथ्य के बारे में जानने को मिलेगा। फैक्ट नंबर फर्स्ट, नियॉन की खोज दो और तत्वों के साथ एक प्रयोग में हुई थी। ये प्रयोग 1898 में सर विलियम रामसे और मॉरिस टेवरेस ने किया था। उन्होंने अपने प्रयोग में वायुमंडल की हवा को तरल किया और इसमें फिर से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन को निकालने के बाद क्रिप्टोन, नियॉन और जेनेन को खोजा। फैक्ट नंबर सेकंड, प्रयोग में नियॉन की खोज दूसरे नंबर पर हुई थी और इसका नाम ग्रीक भाषा के शब्द नियॉन पर रखा गया जिसका अर्थ है न्यू यानी नया। फैक्ट नंबर थर्ड, भले ही नियॉन ब्रह्मांड में पांचवें नंबर पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है लेकिन फिर भी पृथ्वी के वायुमंडल में इसकी मात्रा सिर्फ 0.0018% है। फैक्ट नंबर फोर, ब्रह्मांड में नियॉन की मात्रा 0.13% जबकि हमारे सूर्य में इसकी मात्रा केवल 0.1% होती है। पृथ्वी पर नियॉन की कम मात्रा इसे एक महंगी चीज़ बना देती है। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तरल नियॉन को बनाना तरल हीलियम बनाने के मुकाबले में 55 गुना ज़्यादा महंगा पड़ता है। फैक्ट नंबर फाइव, नियॉन गैस तब बनती है जब तारों में अल्फा प्रक्रिया हो रही हो। अल्फा प्रक्रिया में हीलियम और ऑक्सीजन से मिलने से नियॉन बनती है। हाँ, एक और शर्त जरूरी है नियॉन बनने के लिए और वो ये कि जिस तारे में अल्फा प्रक्रिया हो रही हो उसका पुंज हमारे सूर्य से 8 गुना ज़्यादा होना चाहिए। फैक्ट नंबर सिक्स, नियॉन हीलियम के बाद दूसरी सबसे हल्की अक्रिय गैस है। फैक्ट नंबर सेवन, ये गैस एडवर्टाइजिंग सिंक्स, वैक्यूम ट्यूब्स, वेब मेटल ट्यूब्स, हाई वोल्टेज इंडिकेटर, टेलीविजन ट्यूब्स और प्लाज्मा ट्यूब्स में इस्तेमाल की जाती है। फैक्ट नंबर एट, तरल नियॉन को ठंडा करने वाले पदार्थ रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी प्रति यूनिट के हिसाब से द्रव हीलियम से 40 गुना और द्रव हाइड्रोजन से 3 गुना है। फैक्ट नंबर नाइन, नियॉन किसी अन्य तत्व के साथ कोई स्थायी यौगिक नहीं बनाती। फैक्ट नंबर टेन, इस गैस का उपयोग लो वोल्टेज नियॉन लैंप, हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब्स और नियॉन एडवर्टाइजिंग सिंक में इसलिए होता है क्योंकि ये गैस इन्हें एक अलग लाल नारंगी चमक देती है।